कल प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देने वाले हैं। नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो रहा है, जिसका भूमि पूजन पीएम मोदी के हाथों होगा। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ इसकी तैयारियां को परखने के लिए यहां पहुंचे। ये तैयारी है उस सियासी श्रृंगार की, जिसके जरिए यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार अपनी चुनावी सूरत को चमकाना और दमकाना चाहते हैं। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली से सटे नोएडा के पास की इस जमीन को योगी और मोदी उत्तर प्रदेश के माथे पर किसी नायाब जेवर की तरह टांकने को तैयार हैं। जी हाँ, यहाँ बनना है यूपी का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका शिलान्यास 25 नवंबर को पीएम मोदी के हाथों होना है, जिसे देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब एक और मेगा इवेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार है। 25 नवंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट की भव्य तैयारियों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा देते हैं। मेरे ठीक पीछे आप वो मंच देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। शिला पट्टी का उद्घाटन किया जाएगा और उसके साथ ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जेवर एयरपोर्ट को बनाने की, यानी कि 2024 तक इसका निर्माण पूरा किया जाना है। इधर हम आपको दिखा देते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है। इस वक्त भी तैयारियां चल रही है और 25 नवंबर को जब प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे उसके लिए अभी से तमाम तैयारियों का जायजा लेने स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। डॉग स्क्वाड आ चुका है, सुरक्षा के लिहाज से भी सभी पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन आप ये समझिए कि चुनावी परिपेक्ष से ये इवेंट कितना अहम रहने वाला है। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए इसे एक अहम केंद्र माना जाएगा। प्रधानमंत्री के हर आयोजन की तरह जेवर एयरपोर्ट का कार्यक्रम भी बेमिसाल रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद फिक्रमंद रहे हैं। इसका मुआयना करने के लिए योगी पहुंचे तो उन्होंने इसे सरकार की उपलब्धि बताई। पूरा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा। 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने में अभी 2024 तक का इंतजार है, लेकिन इसकी हवाई पट्टी से योगी और मोदी 2022 में ही यूपी का सियासी आकाश छू लेना चाहते हैं। तैयारी भी पूरी है, कार्यक्रम कितना विशाल होगा ये टेंट उसकी गवाही दे रहा है। बीजेपी का दावा है कि 25 नवंबर को जेवर में होने वाली ये रैली पश्चिमी यूपी की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। शिलान्यास के मौके पर करीब 3 लाख लोग यहां पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के जरिए योगी मोदी से यूपी की डबल इंजन वाली विकास की गाथा सुनेंगे। 12.5 लाख स्क्वायर फीट का करीबी कवर्ड पंडाल है, जिसमें पीएम का लॉन्च अलग है, सीएम का लॉन्च है, एग्जीबिशन गैलरी है पीछे और हेलीपैड बनने हैं सबके अलग अलग, और इस तरह से और करीब 3 लाख पब्लिक की बैठने की कैपेसिटी का बाहर ओपन एरिया है। जेवर एयरपोर्ट यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसे करीब 5000 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। पहले चरण में 1339 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे। इसकी लागत 29,500 करोड़ रुपए आएगी, जबकि यहाँ से सालाना करीब 1.25 करोड़ यात्रियों की आवाजाही होगी। 25 नवंबर को होने वाले शिलान्यास के बाद पहले दौर के निर्माण में 36 महीने लगेंगे। जो पार्टी को इस बार चुनौतियां मिली हैं किसान यूनियन के आंदोलन से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका जो वोट बैंक डिगने की संभावना थी उसको काउंटर करने के लिए विकास का ये मॉडल के तौर पर ये रैली की जा रही है। पीएम की पहली रैली होगी इतनी बड़ी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये कहना है पार्टी के लोगों का। और जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उससे साफ है कि इस बार यूपी के चुनाव में विकास को लेकर ही भाजपा एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। जेवर एयरपोर्ट योगी मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सबसे पहले 2001 में इसका प्रस्ताव तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने रखा था, लेकिन इसके बाद ये प्रोजेक्ट अड़चनों से आगे बढ़ ही नहीं पाया।
अब पीएम मोदी के हाथों इसके भूमि पूजन के साथ बीजेपी का यही संदेश होगा कि पश्चिमी यूपी के विकास को जल्द पंख लगने वाले हैं। इससे पहले कुशीनगर के जरिए पूर्वांचल को भी यही भरोसा देकर आए हैं पीएम मोदी। जेवर पहुंचने से पहले योगी मोदी का चुनावी रथ कई जगहों पर विकास और वादों के झंडे गाड़ चुका है। ये रथ यही नहीं रुकेगा, जेवर के बाद दिसंबर में पीएम अपने एक और ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन के जरिए यूपी के वोटर को फिर से भाव विभोर कर देने को तैयार हैं। बीजेपी का इरादा पूरा है कि यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाए। नोएडा से नेहा बाथम और अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।